कि आपका व्याकरण का एक टॉपिक है शब्द निर्माण। जैसा कि टॉपिक के नाम से पता चल रहा है कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है या शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों की संख्या में बढ़ोतरी कैसे होती है। जैसा कि आपके टॉपिक से ही पता चल रहा है, नाम है शब्द निर्माण, इसका मतलब कि शब्दों के बनने बनाने की कोई जो है इसमें क्रिया होगी, प्रक्रिया होगी, उसी का यहाँ जो है जिक्र किया जा रहा है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। ये जो शब्द निर्माण टॉपिक है, इसी से मिला हुआ या इसी पर आधारित आपका जो पाठ है, आपके पाठ्यक्रम में जो ये चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय का और समास, उपसर्ग प्रत्यय और समास, ये सब जो तीनों टॉपिक हैं ये आपके शब्द निर्माण नामक टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपके अंदर एक सवाल बनना चाहिए कि क्या शब्द बनते हैं। तो आपका जवाब होगा हाँ, शब्द बनते हैं। कैसे? ध्वनियों के संयोग से, ध्वनियों के संयोग से। लेकिन वे ध्वनियां एक या एक से अधिक होती हैं। तो कहने का मतलब कि जब कोई स्वतंत्र या सार्थक शब्द बनता है, जब कोई एक या एक से अधिक शब्द बनता है और वह अपने आप में स्वतंत्र और सार्थक होता है, तो कहते हैं कि वह वाक्य निर्माण में सहायक होता है। कहने का मतलब कि जब आप किसी वाक्य की रचना करते हैं तो उसमें शब्दों या कहें कि पदों का मेल होता है। बिना शब्द या पद के मिले आप किसी वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते। तो उसी तरह से कहते हैं कि ध्वनियों के संयोग से शब्दों की रचना होती है, शब्दों का मेल होता है जो अपने आप में स्वतंत्र या सार्थक होते हैं। अब वे जो है, जो ध्वनियां हैं वह एक या एक से अधिक भी हो सकती है। कहते हैं कि प्रायः या साधारण रूप में या नॉर्मली जो है हम कहते हैं कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। आपसे अगर कोई पूछता है कि शब्द कितने तरह के होते हैं तो आपका जवाब होता है कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी निश्चित अर्थ का बोध अर्थात ज्ञान आपको करवाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। जैसे पानी, कलम, मेज, पुस्तक, इनका अर्थ आपको पता चल रहा, इनका बोध, इनका ज्ञान आपको हो रहा है, इसलिए ऐसे शब्द क्या है? सार्थक शब्द है। दूसरा जो शब्द होता है क्या होता है? निरर्थक होता है। कहते हैं कि निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी निश्चित अर्थ का ज्ञान नहीं कराने वाले होते हैं। जैसे कह दिया जाए कि लकस अन का मकल भीचा चूक, अब चूक में जो है आप उसका अर्थ समझ रहे हैं कि मिस होना, लेकिन अगर कह दिया जाए कचू तो आप उसका कोई अर्थ नहीं लगा पाओगे या आपको उसका ज्ञान नहीं होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं जो किसी निश्चित अर्थ का ज्ञान या बोध नहीं कराता है वही शब्द क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो आइए शब्द निर्माण की प्रक्रिया में हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि शब्दों का निर्माण तीन तरह से होता है। शब्द कितने तरह से बनते हैं? तीन प्रकार से बनते हैं। शब्द कितने प्रकार से बनाए जाते हैं या बनते हैं? तीन प्रकार से। कैसे? पहला है उपसर्गों द्वारा, दूसरा है प्रत्ययों द्वारा और तीसरा है समास द्वारा। आपके पाठ का नाम है शब्द निर्माण। कहने का मतलब शब्द बनाने का जो प्रक्रिया है या शब्दों का निर्माण कैसे होता है, शब्द बनते कैसे हैं, इसी से संबंधित जब आप और जो है गहराई में जाएंगे, जब इनका कारण खोजेंगे तो आपको मिलेगा कि शब्दों का निर्माण तीन प्रकार से होता है। कैसे कैसे? उपसर्गों द्वारा, प्रत्ययों द्वारा और समास द्वारा। अब आपके अंदर एक सवाल उठ सकता है कि शब्द उपसर्गों द्वारा कैसे जो है शब्द का निर्माण होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसे आचार,
आचार माने होता है व्यवहार या आचरण, लेकिन जब उसमें अति नामक उपसर्ग जुड़ जाता है तो वह बन जाता है अत्याचार। कहने का मतलब कि आचार एक शब्द है, एक स्वतंत्र शब्द है, एक सार्थक शब्द है, लेकिन इसमें अति उपसर्ग के जुड़ जाने से इसका एक जो है नया अर्थ, हमको एक नया अर्थ प्राप्त हुआ, इसलिए हम जो इसको अत्याचार कहते हैं। अति और आचार मिल करके अत्याचार बना, तो आचार तो अपने आप में एक अर्थ दे ही रहा था, लेकिन अति शब्दांश के जुड़ जाने से जो एक नया अर्थ हमको और मिल गया, तो इस प्रकार से अत्याचार। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्दों में वृद्धि या शब्द निर्माण की यह एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, क्या उपसर्ग। तो उपसर्गों से भी शब्दों में बढ़ोतरी होती है या वृद्धि होती है। फिर इसी तरह से प्रत्ययों द्वारा कैसे शब्द बढ़ते हैं, जैसे कोई शब्द है मास, मास माने महीना होता है, अपने आप में एक अर्थ दे ही रहा है, लेकिन जब कह दिया जाए मास में एक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो हो जाता है मासिक। मासिक का मतलब मंथली, महीने वाइज। तो इसका मतलब कि एक और नया शब्द हमको मिला, ये तो अपने आप में एक शब्द है, ये तो अपने आप में एक शब्द है, लेकिन उपसर्गों और प्रत्ययों के जुड़ जाने से एक एक और शब्द मिले हमको। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि देव, देव माने देवता होता है, ये अपने आप में एक शब्द है। आलय माने घर होता है, अपने आप में एक शब्द है, लेकिन जब दोनों को जोड़ दिया जाता है, समास का मतलब ये होता है संक्षिप्त करने की विधि, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को संक्षिप्त कर देने की, जोड़ देने की जो विधि होती है वही समास होती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि देव अपने आप में एक शब्द है जो अर्थ दे रहा है क्या, गॉड का, देवता का। आलय अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है, अर्थवान या अर्थपूर्ण शब्द है, इसी माने होता है घर, देवता का घर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देवालय। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि हमें जो है दो शब्द अलग अलग तो है ही, अपने आप में अर्थपूर्ण है, लेकिन हमें तीसरा शब्द ही मिल गया, देवालय, जैसे विद्यालय। तो इस तरह से क्या हुआ कि शब्दों में वृद्धि हो गई। अब आप समझ ही गए होंगे कि उपसर्गों के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा और समास के द्वारा इन तीनों विधियों से शब्दों में वृद्धि होती है या शब्द निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक, अब आइए, अब आप जो है इससे आगे बढ़िए। जब हम शब्द निर्माण के इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि शब्दों में वृद्धि कैसे होती है या शब्द कोश कैसे तैयार होते हैं, तो हमको उसका एक जो है सलूशन मिला, उसका एक फैक्टर मिला। ये तीन तरह से तैयार होते हैं, उपसर्गों के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा और समासों के द्वारा। ठीक, जैसा कि आपको यह एग्जाम्पल दिया गया। इसके बाद अब आपका सवाल बनता है कि इन तीनों प्रक्रियाओं में, ये जो तीनों प्रोसेस है इनको हम अलग अलग करके देखें। तो सबसे पहले नंबर आता है उपसर्ग। उपसर्ग है तो परिभाषित करने से पहले हमारा ये धर्म बनता है कि हम केवल इसको जो है शब्द या एक शब्द के रूप में इसको जो है पहले खंडित करके देख लें। ये दो पदों से या कहिए कि दो भागों से मिलकर बना हुआ है या दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है निकट, उप का क्या अर्थ होता है निकट, और सर्ग का क्या अर्थ होता है निर्माण करना, क्रिएशन या रचना। कहने का मतलब कोई है और उसके निकट कोई और आ जा रहा है तो कुछ और हो जा रहा है, पहले से कोई विद्वान है। कहने का मतलब कोई एक सार्थक शब्द पहले से ही अस्तित्व में है, अपने आप में अस्तित्व में है, अपने आप में वो जो है अर्थपूर्ण है, स्वतंत्र है, लेकिन उसके उप, उप का मतलब निकट, उसके नजदीक कोई और शब्दांश आता है और उस पहले से जो मौजूद शब्द है उससे जब वो पहले लग करके गुण करके अपना जो स्वरूप बनाता है
वो नया अर्थ प्रदान करने वाला होता है। कहने का मतलब कि उपसर्गों में पहले से जो एक सार्थक शब्द होते हैं उनसे पहले यदि कोई शब्दांश जुड़ जाता है तो वह एक नया अर्थ प्रदान करने लगता है। तो इस प्रकार से क्या होती है कि शब्दों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, या कह लीजिए कि शब्दकोश बढ़ता है, तैयार होता है। तो उपसर्ग का मतलब यह होता है कि उप माने निकट, सर्ग माने निर्माण। कहने का मतलब कि कोई शब्द पहले से था, पहले से अपने आप में अर्थवान है, लेकिन जब उससे पहले कोई शब्दांश जुड़ गया तो वह एक नया अर्थ जो है देने लगा। क्या? अत्याचार, अतिघन आचार। इसका मतलब एक नया भाव, एक नया अर्थ दे रहा है। तो उपसर्ग को जब हम परिभाषित करते हैं तो हमको जो है सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले, जब हम उपसर्ग को परिभाषित करते हैं तो हमको जो है देखने को मिलता है कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले उससे लगकर या जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर देते हैं वही क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। एक बार इसकी परिभाषा को फिर से सुन लीजिए। हमने तो आपको उप और सर्ग का अर्थ अलग अलग बता करके भी उपसर्ग को समझाने की कोशिश किया, उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे। हमने कहा कि मांस अपने आप में एक शब्द है, लेकिन इससे आचार अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है, एक स्वतंत्र इकाई है, लेकिन इससे पहले एक शब्दांश अति जुड़ गया जिसका परिणाम हो गया अत्याचार। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आचार शब्द के रहते भी एक नया शब्द बन गया। कैसे? अति उपसर्ग के जुड़ जाने से अत्याचार। अत्याचार माने जानते ही होंगे, अनाचार से होता है, दुर्व्यवहार से होता है। तो इस तरह से शब्दों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। कैसे? उपसर्गों के द्वारा। तो अब सवाल उठता है उपसर्ग होते क्या है। अब आप कहें कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। इनको और जो है आगे जो है बढ़ करके थोड़ा किसी और जो है उच्च स्तर की पुस्तक में देखेंगे तो लिखा हुआ मिल जाएगा, भाषा के वे सार्थक खंड जो शब्दों के आरंभ में या पूर्व में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वही क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है उपसर्ग का अर्थ और उसकी परिभाषा हम जो है देख लिए। बेटा फिर हम इसका जो शेष पार्ट है हम अगले क्लास में अभी आपको जो है बताते हैं।